अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही झटपट और आसानी से बनने वाली टेस्टी मिठाई नारियल की बर्फ़ी। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कढ़ाई। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टीस्पून देसी घी और इसके अंदर हम डाल देंगे 150 ग्राम नारियल का बुरादा, जो आपको किसी भी किराना स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। इसे हम इसी तरह लगातार दो तीन मिनट तक चलाते रहेंगे। हमने इसे लगातार 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लिया है। इसके अंदर अब हम डाल देते हैं 150 ml दूध। इसे भी हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे ये जब तक कि नारियल का बुरादा दूध को एब्जॉर्ब कर ले तब तक हमें इसे चलाते रहना है। हमने गरम दूध में थोड़े से केसर को भिगो लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केसर से जो है इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर और फ्लेवर भी आ जाता है। इसके अंदर हम 50 ग्राम मलाई डाल देते हैं, ये इसके टेस्ट को और इन्हेंस करता है। आप चाहें तो इसकी जगह क्रीम या खोया भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अब हम लगातार इसी तरह चलाते रहेंगे। इसने सारी चीज़ों को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम चीनी, पिसी हुई चीनी, और हम जमने वाली कंसिस्टेंसी तक लगातार चलाते रहेंगे। चीनी डालकर भी हमने इसे 2-3 मिनट तक चला लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हम इस अपनी गैस को बंद कर देंगे। हमने ट्रे पर एक बटर पेपर लगा लिया है, इसे अच्छी तरह से घी से हमने ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर अब हम अपना ये मिक्सचर डाल देते हैं। इसे हम स्पैचुला की मदद से एकदम इवन कर लेंगे। इसके अंदर अब हम जो है ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। इसमें डाल देंगे हम पिस्ता, और इसमें हम डाल देंगे बादाम। अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। हमारे आधे घंटे हो चुके हैं, अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कितनी सॉफ्ट और जूसी बर्फी बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल जायका ए अली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।